गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में जो आज का टॉपिक है वो जो टॉपिक पिछला चल रहा था, टॉपिक का नाम था एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। तो आपने एपिथेलियम ऊतक के चार प्रकार पढ़ लिए हैं कि एपिथेलियम ऊतक के जो चार प्रकार थे वो आप पढ़ चुके हैं। उनमें से जो दो एपिथेलियम ऊतक के जो प्रकार बचे हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है घनाकार एपिथेलियम, मतलब जो पांचवा टॉपिक है वो घनाकार एपिथेलियम, और छठा जो है ग्रंथिल एपिथेलियम। तो क्या होता है घनाकार एपिथेलियम? इस ऊतक की देखिए, खुद कह रहा है घनाकार, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो घन के आकार की। ठीक, घन देखा होगा आपने, मैथ में पढ़ा होगा घन कैसा होता है। तो इसमें इस एपिथेलियम में जो कोशिकाएं होती हैं वो घन के आकार की होती हैं। तो वही इस ऊतक की कोशिकाएं एक परत की बनी होती हैं, मतलब जैसे एक परत होती है किसी के ऊपर, तो वैसे ही ये एक परत की बनी होती हैं। और ये कोशिकाएं होती कैसी है? घनाकार होती हैं, घन के आकार की। तो इस ऊतक की कोशिकाएं एक परत की बनी होती हैं। यह ऊतक वृक्क नलिकाओं, लार ग्रंथियों की वाहिनियों में मिलता है। तो जो घनाकार एपिथेलियम वो कहाँ पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि घनाकार एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है, किन अंगों में पाया जाता है? तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? वृक्क नलिकाओं, आप किडनी जानते होंगे, किडनी सुना होगा, किडनी। तो किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क। तो जो वृक्क की नलिकाएं होती हैं, तो वृक्क नलिकाओं में घनाकार एपिथेलियम होता है। लार ग्रंथियों की जो वाहिनियां होती है, जो लार ग्रंथियां जहां स्रावित होती है उनकी जो वाहिनियां होती है, जो डक्ट्स होती हैं, उनमें ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक मिलता है। तो बस ये इतना सा है। छठा आता है ग्रंथिल एपिथेलियम। देखिए, जो एपिथेलियम एक ग्रंथि के रूप में बन जाती हैं, जो एपिथेलियम एक ग्रंथि के रूप में बदल जाती हैं और किसी प्रकार के पदार्थों का स्राव करती हैं, तो ऐसा जो एपिथेलियम होता है उसको बोलते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम। तो आगे देखते हैं, यह ग्रंथिल एपिथेलियम कोशिकाएं हैं, मतलब जो ये ग्रंथिल एपिथेलियम कोशिकाएं हैं जो ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, मतलब ये एपिथेलियम ऊतक ही है लेकिन इसकी जो कोशिकाएं हैं वो ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में विशेषता अर्जित करती हैं, मतलब ये ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में विशेषीकृत हो जाती हैं। मतलब इनकी विशेषता क्या हो जाती है कि ये ग्रंथि के रूप में बदल जाती हैं। कौन? जो एपिथेलियम है, जो एपिथेलियम है वो किस रूप में बदल जाती है? वो ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में बदल जाती है, और जिस कारण से इसको ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। यह एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव करती है। तो जो ग्रंथिल एपिथेलियम है ये क्या करती है, ये एपिथेलियम जो ऊतक होता है उसकी सतह पर, मतलब जो उसकी सरफेस होती है, पदार्थों का स्राव करती है, क्योंकि ग्रंथि का काम ही होता है पदार्थों का स्राव करना। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है, जो एपिथेलियम ऊतक होता है उसका भाग अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है। जैसे हम लोग कागज को फोल्ड नहीं करते हैं, उसी प्रकार से जो ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक होता है, जो एपिथेलियम ऊतक होता है उसका कुछ भाग अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है, अंदर की ओर मुड़ जाता है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। ठीक, तो ये हम ग्रंथि का निर्माण कर देता है। जैसे अपने लोगों में कौन से होते हैं, स्वेद ग्रंथियां होती हैं जहां से पसीना निकलता है। ठीक, और बहुत सी ऐसी ग्रंथियां होती हैं, थायराइड ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। तो इस प्रकार से जो ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथियां सब ग्रंथिल एपिथेलियम की ही बनी होती हैं। इन पदार्थ इन ग्रंथियों का काम क्या होता है, इन ग्रंथियों का काम होता है पदार्थों का स्राव करना। तो आज आपका ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक प्रकार में घनाकार एपिथेलियम हो गया और ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक हो गया। तो ये दोनों ऊतक हो जाने के बाद आज आपका ग्रंथिल ऊतक खत्म होता है, मतलब जो एपिथेलियम ऊतक था, जो एपिथेलियम ऊतक था वो एपिथेलियम ऊतक समाप्त हो जाता है। कौन सा ऊतक समाप्त होगा? एपिथेलियम ऊतक। अब कल से जो नया ऊतक शुरू होगा उसके विषय बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।